इतनी गर्मी में शिकार करने निकले हैं। इन बीजेपी वालों को इसलिए भी हरवा देना कि इतनी गर्मी में उन्होंने चुनाव करवाया है। इस गर्मी में पानी बहुत खूब पीजिए, साथ में पानी हमेशा रखिए। गर्मी में चुनाव, नेता परेशान, जनता बेहाल, आसमान से आग बरस रही है तो सियासी पारा भी बढ़ने पर ही है। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। पसीने से लथपथ नेता चुनावों में जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी सभाओं में गर्मी से बचने की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यही कहूंगा, इस गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में जाना होता है, गांवों में जाना होता है, बूथ पर जाना होता है, और इसलिए मेरा एक सुझाव है, कितना ही काम करिए लेकिन पानी बहुत खूब पीजिए, साथ में पानी हमेशा रखिए, और कभी भी बिना खाए घर से निकले नहीं। मेरा लंबे समय का अनुभव है, इसलिए मेरी सलाह आपको जरूर काम आएगी। गर्मी के साथ साथ सियासी तपन भी अपने चरम पर है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव को सुनिए। बूथ पे पहुंचोगे? एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इन बीजेपी वालों को इसलिए भी हरवा देना कि इतनी गर्मी में उन्होंने चुनाव करवाया है। बताओ, आपको हमें सबको परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इंडिया अलायंस वाले बब्बर शेर, टाइगर, जो इतनी गर्मी में शिकार करने निकले हैं। चार जून के बाद क्या होगा ये तो भविष्य के धरातल में छिपा है, लेकिन गर्मी को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। हम तो एक गमछा लेकर घूमते हैं, बांध कर चलते हैं। पूर्वांचल वालों, गर्मी में यहीं रहते हो ना? कहाँ रहोगे? यहीं रहते हो ना? मोदी जी भी यहीं रहते हैं। और ये लाराउल बाबा, गर्मी थोड़ी बढ़ते ही बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते हैं। कल आखिरी चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और उससे पहले सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 7वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 57 सीटों पर चुनाव है। इन 57 सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जहां इस वक्त तापमान डराने वाला है। पंजाब के भटिंडा, अमृतसर और जालंधर में तापमान 46-46 डिग्री तक जा पहुँचा है। वहीं यूपी के वाराणसी में 48 डिग्री, गाजीपुर में 45 डिग्री और गोरखपुर में 41 डिग्री है। बिहार के पटना में 43 जबकि नालंदा में 44 डिग्री तापमान देखने को मिला है। बीच चुनाव बिहार से झंझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। बिहार के शेखपुरा में 50 से अधिक छात्राओं की गर्मी से तबीयत बिगड़ गई है। गर्मी में स्कूल खोलने से नाराज लोग सड़क पर उतर आए। शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी AK पाठक के खिलाफ तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसर शाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे? दुर्लभ मूर्ख हैं भाई, दुर्लभ मूर्ख हैं तेजस्वी यादव। KK पाठक स्वास्थ्य सचिव नहीं है जो सवाल कर रहे हैं KK पाठक पे।
बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, भीषण गर्मी का है। सरकार प्रशासन ने बिल्कुल आदेश दिए हैं हर अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाने के लिए। दुर्लभ मूर्खों को बोलिए जरा अपने सलाह अपने पास रखें, उनकी जरूरत नहीं है। शेखपुरा के करीब ही नालंदा है, जहां आखिरी चरण का 1 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे में सियासी पारा भी और गर्माने वाला है। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूवी इंडिया न्यूज।